इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में सिख विरोधी दंगे हुए थे, उसी केस में कांग्रेस का पूर्व नेता सज्जन कुमार, जिसे अदालत दोषी करार दे चुकी है, आज उसे जेल जाना है। मियाद खत्म हो रही है आज, 31 दिसंबर तक सरेंडर करना था सज्जन कुमार को, आज 31 दिसंबर है। और देखिए, ये स्थिति अब बदल नहीं सकती है, बदलेगी सिर्फ तब जब सज्जन को सरेंडर पर ऊपरी अदालत से, मतलब अब तो सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिले। तो सज्जन कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई, कोर्ट ने सज्जन कुमार को 31 दिसंबर मतलब आज तक सरेंडर करने के लिए कहा। ये जो तस्वीर अभी आपने सज्जन कुमार की देखी, हम दोबारा भी आपको दिखा देंगे, ये वाली, ये आज सुबह की है सज्जन कुमार की, जब सुबह 7:30 बजे सज्जन कुमार पीरागढ़ी में जो घर है उसका, वहां से बाहर निकला था। ये सज्जन कुमार आखिरी बार मीडिया के सामने यहां पर आया, इसके बाद से सज्जन कुमार है कहां ये किसी को नहीं पता। और हम क्यों कह रहे हैं ये किसी को नहीं पता, क्योंकि जब हमने सज्जन कुमार के बेटे से ये सवाल पूछा कि भाई कहां है सज्जन कुमार, आज जाना है सरेंडर करने के लिए, तो सज्जन कुमार के बेटे जग प्रवेश का ये कहना था कि उसे नहीं पता उसके पिता कहां हैं। सुबह सज्जन कुमार अपने घर से निकला, लेकिन अब सज्जन कुमार का कोई अता पता नहीं है। अच्छा, एक खबर और सामने निकल कर आई कि सज्जन कुमार जो है वो हनुमान मंदिर जरूर जाता है जब भी कुछ महत्वपूर्ण उसके जीवन में घट रहा होता है, और ऐसे में ये वो हनुमान मंदिर, तस्वीरें भी आप देख लीजिए। लेकिन हनुमान मंदिर, ये जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सज्जन कुमार जाता है, इस मंदिर के कपाट जो है वो 11 बजे बंद हो जाते हैं, और अब तो देखिए किस तरीके से 1 बज चुका है, और सज्जन कुमार अब तक कहां है ये किसी को पता नहीं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजकिशोर भी इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में, क्योंकि हम एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज कर रहे हैं आज कि ऐसा सज्जन समाज में नहीं रहेगा, इसे जाना तो सलाखों के पीछे ही है। लेकिन राजकिशोर, सवाल ये कि हनुमान मंदिर वो जाता रहा है, इतिहास उसका ये रहा है, पर आज तो हनुमान मंदिर के कपाट बंद हो गए, 11 बज चुके, सज्जन कुमार का कहीं कोई अता पता नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर वैसे देखें तो कपाट बंद हो चुके हैं, और वैसे भी कपाट बंद हो चुके हैं क्योंकि उनको राहत मिल नहीं पाई कोर्ट से। अब यहाँ पर तो जो उन्होंने किया उस पर जो है फैसला अदालत का आ चुका है, और वो निश्चित तौर पे मंगलवार को, जैसा मैंने भी कई बार देखा और सब जानते हैं, मंगलवार को ये जो हम लोग मंदिर दिखा रहे हैं, कनॉट प्लेस का मंदिर है हनुमान मंदिर, यहाँ पर वो जाते रहे। इस मंदिर मतलब जो दिल्ली के जो पुराने हनुमान मंदिर दो हैं, एक कनॉट प्लेस पे है और एक वो यमुना बाजार में, उनको मरघट वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि संकट मोचन है, वो सारे संकटों से आपको मुक्त करेंगे, लेकिन अपराधों से मुक्त करेंगे संकट मोचन, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। और मुझे लगता है कि जो अपराध उन्होंने किया और उसकी सजा उनको कोर्ट से मिली, तो उसमें भगवान भी क्या करेगा। और मुझे लगता है एक लंबी लड़ाई, बहुत लंबी लड़ाई, और जिन्होंने भुगता है, जिन्होंने वो त्रासदी सिख दंगों की देखी है, उसके बाद इतने लंबे अरसे के बाद अगर उनको न्याय की थोड़ी सी किरण मिली है, तो उसमें भगवान भी कैसे किसी दोषी की मदद कर पाते, तो शायद इसीलिए वो कपाट भी बंद हो गए थे और वो वहाँ पर नहीं जा पाए। और मैं एक बात और रोमाना बता देना चाहता हूँ कि जो मेरी जानकारी है, यहाँ पर कनॉट प्लेस वाले मंदिर में लोग जाते हैं समृद्धि की आस लेकर, और यमुना बाजार वाला मंदिर जहां पर, जिसको मरघट वाले बाबा कहते हैं, वहां पर यह माना जाता है कि जब आप बहुत बड़े किसी संकट में हो तब वो वहां पर मदद करते हो, और वहां पर जो जाता है उसकी कामना जरूर पूर्ण होती है। लेकिन सवाल यह है कि आप भगवान के दरबार पे किस निष्ठा के साथ जा रहे हैं, और वही बात होती, कामना पूर्ण होना और अपने अपराध के लिए आपको मुक्त हो जाना, ये फैसला मतलब भगवान भी न्याय करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर न्याय मिला है लोगों को तो उसका इस्तकबाल करना चाहिए, और शायद इसीलिए वो आज उनके लिए भगवान के दर के भी कपाट बंद हो गए और वो दर्शन करने नहीं जा। अशोक वानखेड़े जी, मतलब रत्ती भर शर्म भी अगर बची हो तो भगवान के दर पर जाने के लिए भी कोई मुंह चाहिए ना, क्या लेकर इंसान जाएगा। देखिए, मतलब जिसने हिंदुत्व की महानता है कि भगवान यानी स्वयं रावण भी भगवान के मंदिर में जाके पूजा करके राम से जीतने की कामना करते थे। लेकिन मैं हंसा इस बात से कि जब उन्होंने कहा कि दो टाइप के मंदिर है, एक में आदमी समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी के लिए जाता है और एक में संकट मोचन के लिए जाता है। लेकिन ये यदि इस समृद्धि वाले मंदिर में जाने की बात हो, तो जिस हिसाब से जेलों में अभी तमाशा हो रहा है, जिस हिसाब से जेलों में दरबार लग रहे हैं और प्रॉस्पेरिटी जेलों से आ रही है, तो हो सकता है कि सज्जन कुमार भी ऐसे ही कुछ सोचे कि तिहाड़ में भी मैं दरबार लगाऊं तो प्रॉस्पेरिटी मिले, हो सकता है इसलिए भी जाए। लेकिन सर, ये मुद्दा बेहद गंभीर,
बेहद गंभीर ये मुद्दा। और देखिए जिस तरीके से कुछ देर पहले, क्योंकि आप लोग तो सुबह से इस कवरेज में एबीपी न्यूज पर हमारे साथ बने हुए हैं ना, और कुछ देर पहले वो जो हमने रिपोर्ट दिखाई थी, अंकित गुप्ता एबीपी न्यूज संवाददाता जो है वो कड़कड़डूमा कोर्ट के बाहर मौजूद है, वहां पर पीड़ित परिवार जुटे हुए हैं, और पीड़ित परिवार ये कह रहे हैं कि ठीक है इंसाफ मिल गया, लेकिन इंसाफ दिखता कैसा है, अपनी आंखों से देखकर जाएंगे। आज अदालत के बाहर वो बैठे हुए हैं, वो अपनी आंखों से देखना चाहते हैं इस शख्स को, ये सज्जन कुमार जिसे आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, उस सज्जन कुमार को वो अपनी आंखों से जेल जाते हुए देखना चाहते हैं, अपने आंसुओं, अपने दर्द, अपनी सिसकियों का हिसाब चाहता है वो पीड़ित पक्ष, जिसने 34 साल तक बिना निराश हुए, बिना थके, बिना डरे इस लंबी लड़ाई को लड़ा और जीत हासिल की। मैं सही कह रही हूं ना जनरल सिंह साहब? देखिए मुझे अभी याद आ रहा है कि 2009 में सज्जन कुमार के खिलाफ जिन गवाहों ने ये गवाही दी है, जिसके आधार पर ये केस बना है, उनको सीबीआई ने कह दिया था कि दे आर नॉट रिलायबल, ये भरोसे योग्य नहीं है। उसी टाइटलर को कह दिया था कि इनको क्लीन चिट दे दी जाए। सीबीआई ने कह दिया था कि हम क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं और मामले को आगे नहीं लेके जाएंगे। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन जब इन एक प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद दोनों की टिकट कटी अगले दिन, और नेक्स्ट डे दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने कहा देर आए दुरुस्त आए जी। तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह में भी हिम्मत आई, तब इन गवाहों को लिया गया, और 2010 में ये चार्जशीट फाइल हुई। 2013 में ये मामला कोर्ट में कड़कड़डूबा कोर्ट ने 5 को सजा दे दी, जिसमें से सज्जन कुमार बच गए, जिसका मैं पहले भी जिक्र किया। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस के 6 लोगों ने कहा कि उसको राजनगर इलाके में देखा ही नहीं था, इस आधार पर इसको छोड़ दिया गया। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि जब राजनगर के इलाके में 341 मौतें हुई और पुलिस के लॉग बुक कह रही है कि वहां पर शब शांति थी, कुछ हुआ ही नहीं, 341 मर्डर होने के बाद जो पुलिस ये कह रही है उस पुलिस पे यकीन नहीं किया जा सकता, इसलिए गवाहों पर यकीन करती हैं, और तब उसके बाद ये जो मामला है 2018 में यहां पर पहुंचा है। अभी भी इसके ऊपर सुल्तानपुरी का मामला, मैं पहले कह रहा था जी जी जी, मोती सिंह का एफिडेविट है हाँ जी, जो कि पार्लियामेंट के अंदर टेबल हुई रिपोर्ट में है, ठीक है, जिसमें ये बकायदा कह रहा है उसके 2 पोते मारे इनके सामने जी, जी, तो सज्जन जी, कुमार कह रहा जी, था जी, कि रोशन सिंह और भाग सिंह को जिसने मारा जी, उसको 5,000 रुपए हाँ, और जो किसी का सिक्का कत्ल करेगा उसे 1,000 रुपए और दूंगा। ये इतना बड़ा दरिंदा, ये इतना बड़ा दरिंदा है। मैं फिर कहता हूं इंसाफ के लिए 34 साल लंबा इंतजार करना पड़ा, और वो कहा भी ना हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर, अपने आदेश में जब फैसला सुनाया तो कहा भी ना कि पॉलिटिकल पेट्रनेज जिस तरीके से मिली उसी वजह से इंसाफ मिलने में 34 साल लंबा वक्त लग गया। लेकिन मेरे साथ देखिए अब इस कवरेज में एबीपी न्यूज पर हमारे साथ बीजेपी के नेता राजीव बब्बर साहब भी जुड़ गए। राजीव साहब बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर। हम तो सुबह से चर्चा कर रहे हैं सर, 1984 दंगा पीड़ितों के लिए आज बड़ा दिन है, और मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं कि सिर्फ 1984 सिख दंगा पीड़ितों के लिए नहीं, वो हर शख्स जो इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखता है, हम सब के लिए आज का दिन बेहद अहम दिन है, क्योंकि लोकतंत्र में न्यायतंत्र की जीत का ये दिन है। भले ही देरी से मिल रहा हो, लेकिन कम से कम इंसाफ तो मिल रहा है ना, इंसाफ आज हो रहा है ना। लेकिन एक बात जो यहां पर जनरल साहब कह रहे थे राजीव बब्बर साहब कि देर आए दुरुस्त आए, तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा जिस तरीके से इन लोगों को थोड़ा साइडलाइन किया गया, लेकिन उससे हासिल क्या हुआ? 2017 में तो हमने फिर देखा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ वही सज्जन कुमार, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वो डेलीगेट्स वगैरह चुनने का कुछ मामला था, तब मंच पर नजर आ गया। बिल्कुल, मतलब हुआ तो कुछ भी नहीं ना। देखिए ऐसा है कि एक तो मैं यहाँ पर एक चीज आपसे जरूर कहना चाहता हूँ और हर चैनल पे कहता हूँ कि ये 84 के दंगे नहीं है, नरसंहार है। दंगे होते हैं दो तरफ से, ये एक तरफ से हुआ है। तो मुझे लगता है हम अपने संवाद में भी हमेशा कहें कि ये नरसंहार है, ये दंगे नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जहाँ तक ये कांग्रेस के आपने चरित्र की बात करी, ये सही बात है, एक होता है कॉस्मेटिक स्टैंड जो आप कैमरा के सामने कभी कभी पॉलिटिकल स्टैंड लेते हो, और एक है कि आपके अंदर आत्मा में क्या है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने लगभग 84 से लेकर 96 तक पूरी कोशिश करी, जब तक उनकी सरकार एब्सोल्यूट रही, इन सब दरिंदों को बचाने की। वो ऐसे 100 तथ्य होंगे जिसमें FIR रजिस्टर ना होना, इनके खिलाफ मामले ना दर्ज होना, और आपको मालूम है कि ये वाला भी जो मामला है नानावती आयोग के रिकमेंडेशन के बाद 2005 की FIR, आप समझिए 84 की अगर FIR 2005 में होती है तो कितनी इससे सारे उत्तर मिल जाते हैं। और उसके बाद भी यहाँ पर मैं इसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहता, लेकिन ये सच में आपको पता है कि नानावती रिपोर्ट जब आई उस समय टेबल होते हुए किस तरीके की राजनीति होने की कोशिश की, क्योंकि 2004 में तब तक हमारी सरकार जो है वो चली गई थी।
कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये हम सब के लिए, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ किसी एक के लिए नहीं कह रहा हूँ, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये विल पैदा होनी बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके के कोई भी दरिंदे वो कहीं के भी हों उनको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो जो आपने बहुत जो, अच्छी बात की और आप सुबह से जैसा कि मैं कह रही हूँ कि बड़ी कवरेज जा रही है, फुल्का साहब भी जुड़े थे और फुल्का साहब बता रहे थे कि कैसे पार्टी कोई भी सत्ता में रही हो, सर आप जिस पार्टी के ना बीजेपी उसकी भी एनडीए की सरकारें रही हो, कोई भी पार्टी सत्ता में रही हो, किसी ने कोशिश नहीं की तहे दिल से कि इंसाफ मिल सके, हर किसी ने राजनीति करने की कोशिश नहीं देखिए, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे माफ कीजिएगा, और जो यहाँ बात नरसंहार और दंगों की जा रही है ना सर, इससे भी ऊपर उठने की जरूरत है। नरसंहार, दंगा, कुल मिलाकर अगर नृशंस हत्या का है ना, इंसानियत मारी जाती है सर, उस नजरिए से देखें तो शायद हम कांग्रेस और बीजेपी की मानसिकता से ऊपर उठेंगे सर। मरे कोई भी, मरता इंसान है। आप लोगों के साथ दिक्कत यह है कि नेता यहां पर आकर जो दंगा है, जो नरसंहार है, जो इंसान मर रहा है, उसे पॉलिटिक्स की नजरों से देखने लगते हैं, उससे लोकतंत्र का हित नहीं होगा। मुझे ब्रेक के लिए यहां पर रुकना है, हम फौरन लौट रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।